वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं स्पेशल चिकन ब्रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं आज की रेसिपी चिकन ब्रोस्ट की। तो सबसे पहले मैंने एक अदद सालम जो है वो चिकन लिया है। अब हम इसके छोटे छोटे जो है चार पीसेस बना लेंगे और काट के इसको सफाई के लिए रख लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इतने पीसेस जो है वो हम काट लेंगे। इस तरह से हम इसके चार अदद जो है पीस बना लेंगे। अब हम एक बड़ा सा जो है बॉल लेंगे और उसमें इतना पानी लेंगे कि जो चिकन है वो उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए। तकरीबन आधे से ज़्यादा हम इसको भर लेंगे ताकि जो है हमारा चिकन उसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाए और उसके अंदर जितनी भी वो जो ब्लड होता है और जो भी अच्छी तरह से उसकी सफाई हो जाए। अब हम इसमें डालेंगे, मैंने हरी मिर्चें जो हैं उनको ग्राइंड कर लिया है, उसका पेस्ट 8 से 10 मिर्चों का पेस्ट इसमें डालेंगे। तकरीबन 2.5 चम्मच सिरका है और 2 चम्मच नमक। तो अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और चिकन के जो पीसेस हैं वो इसके अंदर हम डिप कर देंगे। और तकरीबन इसे हम 1 से 1.5 घंटे के लिए इसी पानी में डिबो कर रखेंगे ताकि इसके अंदर जो चिकन के अंदर का सारी जो है वो निकल जाएगा ब्लड वगैरह। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया है हमें चिकन को भिगोए हुए। अब हम इस पानी में से निकाल लेंगे और चिकन काफ़ी बेहतर हो गया, साफ़ सुथरा हो गया। एक दूसरे बाउल में हम जो है निकाल के रख लेते हैं। अब हम मैरिनेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करेंगे। चिकन को मैरिनेट करने के लिए हम इसमें मसाले यूज़ करेंगे। तकरीबन लाल मिर्च लें जो है वो 2 चम्मच, लहसुन अदरक लहसुन का पाउडर तकरीबन 1.5 चम्मच, अदरक का पाउडर 1.5 चम्मच, 1 चम्मच गरम मसाला, नमक अपने टेस्ट के मुताबिक, कम या ज़्यादा आप खुद ही अपनी पसंद के मुताबिक डालें, काली मिर्च तकरीबन 1/2 चम्मच, चिली सॉस 2 चम्मच टेबलस्पून और सोया सॉस 2 चम्मच। साथ ही हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 चम्मच बेकिंग पाउडर और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकि सारा मसाला जो है वो चिकन के अंदर जो है अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसे 1/2 घंटे के लिए मज़ीद रख देंगे ताकि मसाला जो है वो टच बस जाए चिकन के अंदर। 1 स्टेप जो मिस हो गया वो था कि इस चिकन को हमने बीच में से कट्स लगाने थे, तो बातों में वो रह गया। तो मैं अब लगा लेती हूँ ताकि चिकन के अंदर तक मसाला जो है वो
चला जाएगा और ये बहुत ही सॉफ्ट सा, बहुत ही टेस्टी सा मज़ीद बनेगा, वरना ये मसाला अंदर तक नहीं जज़ब होगा, इसलिए ये कट लगाना बहुत ज़रूरी है। इस तरह मैं छुरी की मदद से सारे चिकन पे जो है कट्स लगा दूँगी ऐसे। तकरीबन आधे घंटे के लिए हम इसे दाम कर रख देते हैं। तकरीबन आधा घंटा हो गया है हम इसे मैरिनेशन के लिए रखे हुए। अब ये अच्छे से मैरिनेट हो गया है तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं इसको फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए हमने एक बाउल में मैदा लिया है और एक बाउल में पानी लिया है। अब एक पीस जो है ये उठाते जाएंगे और जो उसको अच्छे से मैदे में जो है मैदा इसके ऊपर जो है एक अच्छी सी तह लगाएंगे और फिर इसे पानी में हम डिप करेंगे। एक दफ़ा डिप किया और दोबारा फिर इसको मैदे में भिगो के जो उसके जो अच्छी तरह उसको मैदा जो है उसकी तह जो उसके ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। अब हम इसको फ्राई करते जाएंगे। इसी तरह बाकी के पीसेस को हम बारी बारी मैदे में फिर पानी में डिप करेंगे फिर दोबारा मैदे में डिप करके फ्राई करते जाएंगे। उनको बारी बारी फ्राई कर लेंगे। ज़्यादा तेज आंच नहीं रखनी इसको, लो मीडियम में ही हमें इसको फ्राई करना है। थोड़े थोड़े वक्फे के बाद हम इसको पलट के दूसरी साइड से पलट लेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसमें फ्राई हो जाए। देखिए कितना खूबसूरत और गोल्डन कलर और बहुत ही जैसे हम लोग के KFC स्टाइल होता है चिकन रोस्ट, सेम वही जो है इसकी सिचुएशन है कि वैसे ही ये क्रंची सा बेक हो फ्राई हो रहा है। अभी आंच हम इसकी थोड़ी सी मज़ीद कम कर देंगे। बाकी ये अंदर तक जो है अच्छे से पक जाए। अच्छा सा गोल्डन सा कलर आ गया है। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। इतना ज़बरदस्त कलर है। अब बारी बारी हम इनको ऑयल से निकाल लेंगे और बाकी के जो पीसेस हैं वो इसी तरह हम इसको फ्राई कर लेंगे। जी चिकन हो गया है हमारा अच्छे से फ्राई और देखिए कितना ज़बरदस्त गोल्डन कलर बना है और इसके जो फ्राई है इतना ज़बरदस्त है कि ये भी नहीं बिल्कुल अंदर से ड्राई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही लुक भी उसकी बहुत ही यमी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मैंने फ्राइज भी पहले ही तल के रख लिए थे। हम इसको ऊपर से गार्निश कर देते हैं। जी आज की रेसिपी हमारी हो गई है तैयार। कैसी लगी आपको रेसिपी? करके देख लेते हैं कि ये बने कैसे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही जूसी और बहुत ही ज़बरदस्त और ये नहीं है कि अंदर से बिल्कुल ड्राई है, कुछ सॉफ्ट है और बहुत ही क्रंची सी इसकी लुक आई है। ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रंची सा है इसका टेस्ट। आज की रेसिपी अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें
इंशाल्लाह जल्द ही मिलते हैं फिर किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।